सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हम हमेशा देखते हैं फैशन इज फन, फैशन इज एक्साइटिंग, बट आज ये भी एक बात आगे आ गई है कि फैशन कैन बी पावरफुल, फैशन कैन बी मीनिंगफुल, एंड टू बी ऑन द बॉम्बे टाइम्स फैशन वीक प्लेटफॉर्म और ऐसी बात को कम्युनिकेट करना दैट स्पीक्स अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, रेप, यू नो, थिंग्स लाइक दैट, जो हम हर आए दिन अपने न्यूज़पेपर्स में देखते हैं, टेलीविजन चैनल्स पर देखते हैं कि ऐसे हादसा हुआ, इंसिडेंट हुआ, कुछ दिनों के लिए गुस्सा होता है, मन अग्रेसिव हो जाते हैं, हम लोग सोशल मीडिया पे इसके बारे में बात करते हैं और उसके बाद हम भूल जाते हैं, वी मूव ऑन. सो द आइडिया इज़, मेरा फ़र्ज़ है, इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ऑल्सो पार्टिसिपेट. मैं ये कह सकता हूँ कि पुलिस क्या कर रही है, प्रशासन क्या कर रही है, पॉलिटिशियंस क्या कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये भी पूछना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ. वॉट एम आई डूइंग टू मेक अ बेटर इंडिया, अ बेटर सोसाइटी, अ बेटर वर्ल्ड. एंड दिस वॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ मेरा फ़र्ज़ है, विच वॉज एन एसोसिएशन ऑफ विवियाना मॉल एंड थाने पुलिस, यू केम टुगेदर एंड दे अप्रोच्ड मी कि आप हमारे शो स्टॉपर बने. आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी डूइंग दिस बिकॉज इट हैज सच अ ब्यूटीफुल मीनिंग. आई थिंक हाल ही में जो एक मी टू का मूवमेंट हुआ, उस मी टू के मूवमेंट ने बहुत सारी इमारतों को हिला दिया. पीपल हु थॉट दे वर अनटचेबल, टू बिग टू फॉल, वो लोग भी डीथ्रोन हो गए. एंड द पावर ऑफ वॉइस, जब लोग साथ में एकजुट होकर एक दूसरे की शक्ति बनकर किसी चीज़ के खिलाफ खड़े होते हैं, कंप्लेन करते हैं, जो मेरा फ़र्ज़ है कैंपेन कह रहा है कि चाहे आप मर्द हो चाहे आप औरत हो, कम आउट, वॉइस योर डिसेंट, गो आउट देयर एंड टेल पीपल कि ये बिल्कुल नहीं चलेगा, ये ठीक नहीं है. ये चीज़ को हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, क्योंकि अब मुझे ऐसा लगता है सोशल मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, बहुत सारे ऐसे लोग अब डरने लग गए हैं कि एक्सपोज हो जाएंगे. वो फियर की वजह से बदलाव आ रहा है, बट सोसाइटी में इनहेरेंट बदलाव आना, बेटर वैल्यू सिस्टम्स आना, वो भी बहुत ज़रूरी है. एंड आई थिंक दैट स्टार्ट्स एट होम. वी हैव टू टीच आवर चिल्ड्रन टू रिस्पेक्ट वुमेन. I think coronavirus is pretty scary. It seems like a scary movie script. I got a lot of people on Twitter talking about
Krish 3 and about Carl creating the virus in that movie and all of that. But I think the impact is huge. India is doing pretty well. We always underestimate our country, but we're doing pretty well in terms of dealing with it. And I think the worldwide phenomenon now is handshake ke badle mein log keh rahe hain corona namaste. Implement karo, dekho mat, bolna shuru karo. Well said. Thank you. Okay, Jen.